नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इस साल भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। जब से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, युवा खिलाड़ियों में अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। हो न हो, इस ओलंपिक से भारत के खिलाड़ियों पर असर तो हुआ है, क्योंकि भारत ने बुधवार को हुए 4x400 मीटर रिले रेस में भारत की मिश्रित टीम ने नैरोबी में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारत का रिकॉर्ड ट्रैक एंड फील्ड में अच्छा नहीं रहा है, ऐसे में ये जीत एक नई उम्मीद के साथ आई है कि भारत भी अब ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों में मेडल ला सकता है। एस भारत, प्रिया मोहन, सुमी और कपिल की भारतीय चौकड़ी ने 20.6 सेकंड का समय निकालकर फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। ये टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का 5वां पदक है। हीट में चैंपियनशिप रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद नाइजीरिया की मिश्रित 4x400 मीटर रिले टीम ने इसे फिर से तोड़ दिया और 3:19.7 सेकंड में खिताब अपने नाम किया। वहीं पोलैंड ने 3:19.8 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। भारत की इस जीत की खुशखबरी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को ट्विटर पर खिलाड़ियों की तस्वीर जारी करके पूरे देश को इस उपलब्धि के बारे में बताया। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 4x400 मीटर मिश्रित रिले अंडर 20 एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का हिस्सा है। 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक चलने वाली अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अपने 27 सदस्यों की टीम भेजी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।